आपने मुझे आज मौका दिया। जिस दिन आप पर्यावरण पर चर्चा करा रहे थे उस दिन भी मैं कुछ अपनी बात रखना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। वास्तव में जब आज ये विषय आया तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि हम उन बातों पर भी चिंतन विचार करने के लिए अब आगे आ रहे हैं जो समाज से जुड़ा है और बहुत ही जरूरी है। पृथ्वी और अन्य ग्रह में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है और वो छोटा अंतर सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां जल है और कहीं जल नहीं है, और जहां जल है इसलिए जीवन है। और कुल पृथ्वी का 97% जल है और जिसमें से 3% सिर्फ पीने योग्य है, मीठा पानी। इस बात को कि जल बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे सनातन धर्म ने सबसे पहले पहचाना और उसने अपनी सारी व्यवस्थाएं उसी तरीके से की जिससे जल को प्रथम पूज्य कहा जाए और जल की रक्षा की जाए। आज आप देखिए हम धर्म में से अगर कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। कलश क्या है? कुंभ। कुंभ के अंदर क्या है? जल है। हमारे जितने तीर्थ हैं सब जल स्रोतों के किनारे हैं। हमारे जितने त्योहार हैं उनको कहीं ना कहीं से जल से जोड़ा गया है। तो सनातन धर्म खास तौर से जल की महत्ता को सबसे पहले उसने पहचान लिया था और दुनिया का जो सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ मेला वो भी जल पर्व ही मैं कहता हूं उसको कि ये कुंभ मेला नहीं है ये जल पर्व। जब जल इतना महत्वपूर्ण है और हमने उसको धर्म में इस तरीके से जोड़ा है कि जल की रक्षा हो सके, हमारी बस्तियां जो है वो जल के किनारे और जो हमारा इकोसिस्टम डेवलप हुआ था वो जल से रिलेटेड था। कैसे बताता हूं, हमारा जो घर था वो मिट्टी का घर था और उसको हर साल लीपा जाता था, पोता जाता था। और इसकी मिट्टी कहां से आती थी? देखिए कैसे हमने अपना प्राकृतिक जल संसाधन का स्रोत का इकोसिस्टम कैसे तोड़ा। इसकी मिट्टी आती थी तालाब के बीच वाले पोर्शन से या छोटे गड्ढे से आती थी और इसलिए आती थी कि बीच का जो पोर्शन होता था वो चिकनी मिट्टी हो जाती थी। और वाटर का रिचार्ज आज क्यों नहीं हो रहा है? इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वो जो इकोसिस्टम हमारा बनाया था हमने उसको तोड़ दिया। जो तालाब के बीच की मिट्टी आती थी और जिससे घर लिपा जाता था, कच्चे घर लिपे जाते थे, जहां भीषण से भीषण गर्मी में ठंडक रहती थी, उस मिट्टी को अब हम ला नहीं रहे हैं। हमने घर कच्ची मिट्टी का छोड़ के पक्के ईंटों का बना दिया और जब वहां से मिट्टी आ नहीं रही है तो वो उसकी परत नहीं टूट रही है तालाब की। और जब तालाब की परत नहीं टूटेगी तो जल तालाब का रिस्क नीचे नहीं जाएगा। हमने अपने इकोसिस्टम को तोड़ दिया, हमने कुएं पाट दिए, जल स्रोत और जो थे हमने उत्तर भारत में खास तौर से उनको खत्म कर दिया और ये मान के कि अभी तो धरती में बहुत पानी है, अरे कितना निकालिएगा, जैसा इन्होंने पहले कहा। और जिसके सामने ये समस्या होती है उन्होंने अपने जल संकट को सही कर लिया। राजस्थान में सरस्वती नदी की धारा फिर से जीवित हो गई, लेकिन आज हम
40 गांव शंकरगढ़ के कुराओं के से जुड़े हुए हैं, जहां भीषण जल संकट है, उसको सुधार नहीं पा रहे। लोग कहते हैं कि इलाहाबाद में, मैं इलाहाबाद का दो तीन उदाहरण देता हूं कि इलाहाबाद में उद्योग इसलिए आया कि फलाने नेता लेके आए थे। मैंने उसी समय लिखा ये जो बिजली घर आ रहे हैं ये इसलिए नहीं आ रहे हैं कि फलाने नेता का इसमें प्रयास है, इसलिए प्रयास है कि यहां प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। और जब पहला बिजली घर 12 वाला लग रहा था, मैंने उनके मालिक से पूछा कि भैया कितना पानी लगेगा इसमें। उन्होंने, वो तो मालिक आदमी जानता नहीं, इंजीनियर से पूछ लिया, और चूंकि मालिक ने पूछा था इसलिए इंजीनियर ने बता दिया कि साहब 30 क्यूसिक पानी पर सेकंड लगेगा। अगर 30 क्यूसिक पानी अगर 40 गांव में चला जाए तो मेरा ख्याल है कि एक घंटे की वाटर सप्लाई में सारा गांव संतृप्त हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। हमने जो अपना इकोसिस्टम था जल स्रोत के अंदर जाने का, धरती के अंदर जाने का, उसको खत्म कर दिया। ये पेड़ आप जो देख रहे हैं ये जल्द सूख जाएंगे, क्योंकि यहां सब कंक्रीट ढल गया है। ये बचेंगे नहीं। राजस्थान में एक राजसमधियाना गांव है, हम यहां पानी के संकट से जूझ रहे हैं, 20 रुपए प्रति बोतल आदमी खरीद रहा है। सिविल लाइंस में कम से कम 4 गाड़ियां सवेरे 10 बजे से आपको दिख जाएंगी। और ये वो स्थान है जहां पे वाल्मीकि रामायण में लिखा गया था कि गंगा इतनी चौड़ी थी कि जब बीच में पहुंची है और राम जी की नैया, तो माता सीता जी ने संकल्प लिया और प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, मेरे पति और मुझे सकुशल पार लगाना। और आज आप चले जाइए, बांध देख लीजिए, और बांध के नीचे कम से कम 20 फुट जहां संगम का पेटा पड़ता है, 20 फुट वो है, और उसके बाद फिर आप आगे जाइए तो आज ही मैं देख के आया हूं कम से कम 8 से 9 फुट नीचे और है, तो कुल मिलाकर 30 फुट नीचे पानी चला गया है। ये स्थिति थी भरद्वाज आश्रम जहां बालसन ने, यहां कभी गंगा बहा करती थी और सीधे बलुआ घाट में मिलती थी, और जहां पे संगम है आज अभी आप देखिए तो बालसन के इस तरफ आपको चढ़ाई मिलेगी और इस तरफ ढाल मिलेगा, इसी तरीके जीआईसी मिलेगा, इसी तरीके सत्ती चौड़ा में मिलेगा। पानी कितना कम हो गया, राजस्थान जहां बूंद बूंद पानी की कमी थी, जिन्होंने पानी संरक्षण के लिए बावली बनाई, छोटे छोटे उन्होंने गड्ढे बनाए और उन गड्ढों को ढका, प्लांटेशन किया, और सरस्वती नदी जो जल के नीचे थी इतना मॉइस्चर उन्होंने क्रिएट किया कि वो जल सरस्वती नदी पुनर्जीवित हो गई, और राजसमधियाना जैसे गांव पुनर्जीवित हो गए। वहां पे पीने के पानी के अलावा सिंचाई की भी व्यवस्था है, और हम यहाँ पे चूंकि हमारे पास पानी उपलब्ध है, हम गंगा के किनारे हैं, संगम के किनारे हैं, इसलिए हम पानी पी भी रहे हैं, बहा भी रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आदेश है, लेकिन आप भूल जाइए आपको कहीं मिलेगा नहीं। और बहुत छोटी सी तकनीक है जिसके यहां बोरिंग है, वो 2 गड्ढे बना के आराम से कर सकता है। संरक्षण की कोई बात ही नहीं हो रही, पानी कितना बह जाए पानी इससे कोई मतलब ही नहीं। कोई एक स्रोत जल का आप बता दीजिए जिसको संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ के कोई समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही हो तो मैं बताऊं। और मैं आज भी इलाहाबाद में एक ऐसा कुआं जानता हूं कि जहां थोड़ी सी बरसात होती है तो आप बाल्टी में ऐसे हाथ डाल के बाल्टी से कुएं से पानी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, और इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि हमने जल की कीमत को समझा ही नहीं। हम तो सिर्फ एक डुबडुबी बजा रहे हैं पर्यावरण के नाम पर, और अपने जो प्राकृतिक जल संसाधन थे उसको खत्म कर दे रहे हैं। छठ पर्व हो, कुंभ हो, या कोई भी पर्व हो, शादी विवाह होती तो आप जरूर जाते हैं कुआं पूजने, और ये क्या है,
ये शुद्ध रूप से धर्म को इसलिए सनातन धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि हम अपने जल जल की महत्ता को पहचाने, और यही जल हमको दूसरे जितने भी ब्रह्मांड है उससे अलग करता है, और जल से ही हमारा अभ्युदय है। हमारा अभ्युदय मछली से माना गया, कश्यप कछुए से माना गया। बहरहाल अगर हम अपने जल स्रोतों का अध्ययन करेंगे और संरक्षण पे काम करेंगे तब तो जन जागरण अच्छा है, और नहीं तो निश्चित जानिए अभी तो 10 फीट की गंगा बह रही है। फिर हम बताया करेंगे अपने बच्चों को कि मेरी जवानी में यहाँ कभी गंगा बहा करती थी, एक प्रतीक रूप में पक्का घाट बन गया है। और मजे की बात देखिए, जो प्राकृतिक रवैया था, प्राकृतिक रूप था, उसको हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं, विकास के नाम पे करते जा रहे हैं। क्योंकि जितना हम कंक्रीट डालेंगे हम सोचते हैं उतना विकास होगा। इसी संगम तट पे पूरा घाट पक्का करने का एक योजना बनाई गई। कुछ बुद्धिजीवियों ने मना भी किया कि मत करिए, ये घाट ये संगम को बचा के रखा है, ये खत्म हो जाएगा। जो रेक्टो में एक्टर आता है, गंगा के पानी के साथ कई औषधियां आती हैं, वो इसी मिट्टी में मिलती है जो इसको संरक्षित करते हैं। लेकिन विकास के नाम पे देखिए कब पक्का हो जाए और कब इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाए। तो मित्रों, जल बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसका उपयोग हम कैसे करते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। मैं अपनी बात को यहीं पे विश्राम देता हूं क्योंकि समय की सीमा है, और कुछ अभी और आदरणीय वक्ता गढ़ हैं, जैसे रामनरेश त्रिपाठी जी हैं और भी लोग हैं, उनका भी संक्षेप में हम लोग सुनेंगे। भारत माता की। आप